यानी कि मैंने यहाँ इग्निशन ऑन किया और सेल्फ का उपयोग करेंगे। देखिए इंजन ऑयल हम लोग का आ रहा है यहाँ। अब इंजन हम लोग का लुब्रिकेशन होगा। वेलकम टू सजीर बाइक गुरु में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को दिखाया था हीरो मैस्टोरी बाइक की पिस्टन रिंग असेंबली किया था, और यानी कि आप लोगों को रिंग का ग्रुप भी दिखाया था, और पूरा फिटिंग करने के बाद आप लोगों को स्टार्ट भी करके दिखाया था। उस वीडियो में आप लोगों को बताया था जो इस बाइक में इंजन ऑयल नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसीलिए जो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, बाइक स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड भी क्वालिटी सही है, बट इंजन ऑयल हेड पर नहीं आ रहा है। और पूरा पार्ट्स देखो हम लोगों का, ये पूरा पार्ट्स हम लोगों का जैसे सूखा हुआ है, और इंजन का साउंड भी जैसे कि सही सही कर रहा है। इंजन ऑयल अगर ना आए तो थोड़ा साउंड ख़राब ही आता है, तो यानी कि साउंड ख़राब था। और मैंने इसीलिए दोबारा इंजन खोला, क्योंकि इंजन ऑयल अगर ना आए और बाइक को कस्टमर को अगर हैंड ओवर कर दे तो एक महीना भी नहीं जाएगा और पूरा बाइक हम लोग का इंजन जो है बैठ जाएगा और सीज हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने दोबारा इंजन खोला है, और हेड पर इंजन ऑयल क्यों नहीं आ रहा है इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और एक्चुअली बाइक का जो इंजन है, इंजन को बाहर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद सब चेकअप करेंगे इंजन ऑयल आ रहा है कि नहीं। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा इंजन को हम बाहर पर ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि CDI कॉयल जितना भी सिस्टम है सेल्फ स्टार्ट सब काम करेगा, बाहर पर हम लोग चेकअप करेंगे। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअली इंजन ऑयल क्यों नहीं आ रहा है, और पूरा सब फिटिंग तो फिटिंग करेंगे। तो चलिए आइए। हाँ देखिए यह है हम लोग का ऑयल पम्प। ऑयल पम्प हम बदल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमने जितना भी लाइन था सब हमने चेकअप करके देखा, लाइन हम लोग का बिल्कुल बराबर सही है। ऑयल पम्प की जो हम लोग का ऑयल तेज से जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है, जैसे कि हेड को ऊपर नहीं जा पा रहा है, इंजन का अंदर ठेल रहा है। तो मैंने जैसे कि ऑयल पम्प नया लाया है और इसका कीमत है 214 रुपया। तो कुछ तरीका आप लोगों को भी मैं बताता हूँ लाइन कैसे आप लोग चेकअप करें, जिसमें कि लाइन अगर ब्लॉक भी हो जाता है तो भी हम लोग का दिक्कत होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊँगा जो एक्चुअली लाइन कैसे हम लोग चेकअप करें। तो गाइस इस पर लाइए, पहले यहाँ दिखाइए। तो गाइस यहाँ देखिए एक हम लोग इनपुट लाइन है जो ऑयल आती है, और ये आउटपुट लाइन है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऑयल डालेंगे इस छेद पर, देखिए वेलकम की मदद से। वेलकम दिखाओ थोड़ा, वेलकम की मदद से यहाँ हम लोग इंजन ऑयल पुश करेंगे। नीचे यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ छेद में, देखो ऑयल आ रहा है, ऑयल आ रहा है ना, हाँ एकदम तेज से आ रहा है। तो यानी कि यहाँ से ऑयल हम लोग का बराबर आ रहा है, यहाँ लाइन हम लोग का ब्लॉक नहीं है। इनपुट लाइन चेकअप करेंगे, आउटपुट हमने चेकअप किया, अब इनपुट चेकअप करेंगे, उस पर दिखाओ। तो गाइस इस मोबिल ट्रेन का जो नाट है इसमें एक छेद देखने को मिलेगा, ठीक है, उस छेद पे हम लोगों को ऑयल कैम भरना है। देखिए ऑयल कैम हम यहाँ भरा और उस पर लाइए। अब देखिए यहाँ देखिए इस छेद पर हम लोग का ऑयल आएगा, देखिए देखिए ऑयल आ रहा है ना। तो यानी कि हम लोग का आउटपुट इनपुट लाइन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल बराबर सही है। अब यहाँ देखिए इस जगह से हम लोग का ऑयल आएगा स्टार्ट होने के बाद, और यहाँ भी एक छेद दिया गया है। ये छेद किस कारण से है गाइस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा गौर कीजिए, इस जगह पे ऑयल आएगा। देखिए यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, देखिए ऑयल आ रहा है, ऑयल आ रहा है, ऑयल इस तरह से आ रहा है। यानी कि ऑयल पम्प का काम क्या है, ऑयल हम लोग को हेड पर भी ले जाना है, और जैसे कि क्रैंकशाफ्ट पर ले जाना है, और यानी कि जैसे कि गियर बॉक्स पर जो पिनियम है उसमें भी ले जाना है, तो यानी कि चारों तरफ ले जाना है। अब सवाल है हेड के अंदर हम लोग को दिया जाता है एक अकॉर्डिंग, ठीक है, हम लोग का ब्लॉक किट इसी हिसाब से रहता है। ऑयल आते हैं इसी जगह पर, ठीक है, इसी जगह पर आते हैं, आने के बाद यहाँ से भाग हो जाता है एक छेद पर, यहाँ चल जाता है, और यहाँ से लगभग जैसे कि आप लोगों को मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ऊपर जो हम लोग का हेड का जो स्टैक है ये वाला स्टैक, ठीक है, ये वाला स्टैक पे हम लोग का ऑयल आता है। अब सवाल ये घुसने के बाद इस जगह से हम लोग का ऑयल आता है, ऑयल आने के बाद क्या करते हैं, जैसे कि इस तरह से हम लोग का लगा हुआ रहता है, और यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ इस छेद पे वाला ऑयल आएगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। इस छेद को मैंने बंद किया गाइस, सॉरी इस छेद को मैंने बंद किया, और यहाँ ऑयल डालेंगे तो इस छेद पे हम लोग को ऑयल आएगा, देखिए देखिए ऑयल आ रहा है, और
इसमें ऑयल आ रहा है, तो यानी कि ये लाइन भी हम लोगों का क्लियर है। और सिलेंडर किट में भी, ब्लॉक किट में भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये लाइन भी हम लोगों का क्लियर है। देखिए ये लाइन भी हम लोगों का क्लियर है, यानी कि सारे के सारे लाइन हम लोगों का क्लियर है। सिर्फ हम लोगों का दिक्कत है ऑयल पंप की, जो हम लोगों का तेज से ऑयल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, हेड के अंदर इंजन के अंदर घुस रहा है, तो हम लोग को बदलना पड़ेगा और ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो गाइस इंजन फीडिंग वीडियो तो आप लोगों को पूरा सिस्टम मैंने दिखा दिया है, अब आप लोगों को क्या करेंगे यानी कि फिट करने के बाद ऑयल आ रहा है कि नहीं वो दिखाएंगे, और बाहर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइक में, स्कूटी पर हम लोग फिट नहीं करेंगे। तो चलो फिटिंग करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो सो गाइस यानी कि आप लोग देख रहे हैं इंजन को मैंने फिट कर दिया है और पूरा वायर हमने कनेक्शन कर दिया है, और बाइक को अभी हम लोग जैसे कि बाहर पर स्टार्ट करेंगे और चेकअप करेंगे यानी कि इसके अंदर हम लोग का ऑयल आ रहा है कि नहीं, इंजन का साउंड सही आ रहा है कि नहीं, सभी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो गाइस मैंने वायरिंग का काम कैसे किया वो आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ, पहले आप लोगों को मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। यानी कि मैंने यहाँ इग्निशन ऑन किया और सेल्फ का ईपीएफ करेंगे और एक्सीलेटर हम लोगों को यहाँ है, ठीक है। देखिए इंजन ऑयल हम लोग का आ रहा है, यहाँ कुछ लगाओ कुछ लगाओ, डबल लगाओ, इंजन ऑयल गिर रहा है। इंजन को पकड़ रखो, इसका मतलब ऑयल पंप से हम लोग का ऑयल आ रहा है, थोड़ा आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा दूर से दिखाओ गाइस, देखिए इंजन हमने बाहर में स्टार्ट कर दिया है और इंजन हम लोग का चल रहा है। देखिए अब इंजन हम लोग का लुब्रिकेशन होगा और ये कैप लगाने से, जैसे कि वो कैप कहाँ है, वो वाला कैप दीजिए, अगर डाल दें तो जैसे कि इस छेद पर आएगा, आने के बाद हम लोग का ऑयल जो है गाइस ऑयल इसके अंदर से आएगा, ठीक है, इसके अंदर से आएगा और छीटा मारेगा। जैसे कि यहाँ देखिए एक छेद है, इस छेद से इस यहाँ हम लोग का गिरेगा और पूरा कैम सबको लुब्रिकेशन करेगा। तो गाइस स्टार्ट तो मैंने कर दिया है, अब आप लोगों को बताता हूँ जो आप लोग किस तरह से करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना आप लोगों को नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए एक्स्ट्रा आप लोगों को एक्सीलेटर तार लगाना पड़ेगा और फ्यूल का जो सिस्टम है वहाँ से मैंने किया है, देखिए वहाँ जाके दिखाइए, देखिए वहाँ से अब यहाँ दिखाइए, फ्यूल का लाइन यहाँ से दिया है और सेल्फ का जो कनेक्शन है सेल्फ में लगाया है और बॉडी अर्थिंग एक मैंने किया है और इंजन से जो हम लोग का पिकअप कॉइल और वोल्टेज आता है इसे मैंने दिया है और सेल्फ स्टार्ट जिस तरह से होना चाहिए था उसी हिसाब से हो रहा है। तो यानी कि आप लोगों ने देखा क्या, वायरिंग भी मैंने बना दिया। ये मैस्ट्रो बाइक है, मैस्ट्रो को अलग कोड देना पड़ता है, फिर जैसे CDI हम लोग अलग लगा सकते हैं, लेकिन इस बाइक में जो CDI सिस्टम है उसमें दिखाओ, देखिए इस बाइक का जो CDI सिस्टम है इसमें हम लोगों को एक कोड देना पड़ता है, इसीलिए मैंने ये सब किया। बाहर में भी अब अगर हम लोग CDI को यहाँ दिखाइए, जैसे कि खाली इंजन को भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि इग्निशन कॉइल लगाने के बाद, CDI कॉइल लगाने के बाद, वोल्टेज, बॉडी अर्थिंग, ग्राउंड, पिकअप कॉइल, ये सब देने से भी लाइन बन जाता, बट ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा मुझे। बाल्टी कॉइल से यहाँ बाल्टी कॉइल में जैसे कि लगा हुआ है हाई टेंशन वाला कॉइल, इसमें हमने प्लग का स्पार्क प्लग में लगाया, सेल्फ का लगाया और वोल्टेज दिया और काम बन गया। तो सो गाइस ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि देखो मैंने एक बार गलती किया था, स्टार्ट करने के बाद इंजन ऑयल हेड पर नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कुछ अलग कर दूं और बाहर में स्टार्ट करके हम लोग देख लूं जो स्टार्ट होने के बाद ऑयल आ रहा है कि नहीं। तो फिलहाल मैंने जो ऑयल पंप लगाया और लगाने के बाद पूरा चीज़ को फिट किया और ऑयल पंप आ रहा है। तो गाइस एक्चुअली प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाया इस वीडियो को बाहर में इंजन स्टार्ट करके। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस मैंने पिछला वीडियो में फुल इंजन का वीडियो बनाया था, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं फुल इंजन वीडियो हम लोग किस तरह से फिट करें, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं फुल इंजन वीडियो। तो कैसे यहां से हम वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।